संस्कृत प्रदर्शनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, यह वर्ष चुनौतियों भरा सजगतापूर्ण वर्ष है। इस वर्ष में स्वास्थ्य चुनौतियों के चलते दिनचर्या में अनेक बाधाएं उपस्थित होने के बावजूद हम युवाओं ने इसमें भी सकारात्मकता ढूंढी। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अतः हमने विगत वर्षों की ही बात इस वर्ष भी अपने क्रियान्वयन का अनूठा प्रदर्शन करने की ठानी है। इसी श्रृंखला में जैसे कि हमारी परंपरागत संस्कृति है कि सभी की मंगल कामना हेतु कार्यारंभ मंगल चरण। को पता है हमारी हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से बनी हुई है। तो आइए जानते हैं संस्कृत में रंगों के नाम। श्वेतः अर्थात सफेद, कृष्णः अर्थात काला, नीलः नीला, हरितः हरा, लोहितः लाल, पाटलः गुलाबी, पीतः पीला। फलानाम परिचयः। कदली फलम केला, द्राक्षा फलम अंगूर, जम्बू फलम जामुन, आम्र फलम आम, मधुकर्कटी पपीता, सेब फलम सेब, नारिकेलः नारियल, नारंगम संतरा, पानसः कटहल। कुछ खाने वाली वस्तुएं जैसे रोटिका रोटी, शाकम सब्जी, अन्नम भात, आवलेहः अचार, तेमलम कढ़ी, दधि। कि पांच आकर्षक पतंगों का निर्माण करते हुए और उन पर सिक्किम प्रदेश के पारंपरिक भोजनों को दिखाते हुए उनमें प्रयोग किए गए अनाजों को संस्कृत में लिखे। ये मैंने पांच पतंगे बनाई हैं। पहली पतंग है ये, और इस खाने का नाम है धिरोहा। ये है दूसरी पतंग, इस खाने का नाम है शाकुरी। यह है तीसरी पतंग, और इस खाने का नाम है तसंपसु। ये है चौथी पतंग, और इस खाने का नाम है कोडोको रोटी। और ये है पांचवी पतंग, इस खाने का नाम है दाल भात। आप देख सकते हैं कुछ बुक मार्क हैं, उन पर कुछ वस्त्रों के नाम लिखे गए हैं, जैसे कि पाद त्राणम यानी कि मोजे, शाटिका यानी कि साड़ी, कचुकह यानी कि शर्ट, जड़घात त्राणम यानी कि पैंट्स, कटी सूत्रम यानी कि बेल्ट। कोरोना वायरस से संबंधित संस्कृत के शब्द वाक्य और वाक्यांशों की फ्लैश कार्ड द्वारा प्रस्तुति। हस्त प्रश्लन करो अर्थात हाथों को धोए, परस्पर दूरे उत्वा तिष्ठो अर्थात 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, मुखावरण धाराए मुख को मास्क से ढक के रखें, रहे भव अर्थात घर पर रहें।
हिंदी प्रस्तुति में स्वागत है। आज मैं आप सभी को कुछ सिक्किम प्रदेश के बारे में बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नारी, स्वच्छता का कर्म अपनाओ, इसे अपना धर्म बनाओ, पूरे सिक्किम को बताओ। दूसरा नारा, सिक्किम की धरती करे पुकार, आसपास का करो सुधार। तीसरा नारा, एक नया सवेरा लाएंगे, पूरे भारत सहित सिक्किम को स्वच्छ बनाएंगे। चौथा नारा, देश में विकास आएगा जब सिक्किम का हर व्यक्ति स्वच्छता अपनाएगा। वे अपनी दिनंदिनी सिक्किम प्रदेश की राजधानी गैंगटॉक पर बनाएंगे। बारे में बताते हुए कुछ विशेषताएं दर्शाई हैं। गैंगटॉक एक आकर्षक व प्राकृतिक और पहाड़ियों वाला क्षेत्र है। यहाँ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है। गैंगटॉक में व्हाइट वाटर राफ्टिंग तीसरी सबसे अच्छे स्थान है। मैं गैंगटॉक इसलिए घूमना चाहती हूँ क्योंकि वह एक बहुत आकर्षक शहर है। पर्यटन स्थल सरमसा गार्डन, यह एक बहुत खूबसूरत बगीचा है जो मनोरंजन और पिकनिक के लिए एक सुंदर जगह है। गणेश टॉक, यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। राइड, यह एक प्रमुख पर्यटन आकर्षक स्थल है। यहाँ से पूरा गैंगटॉक दिखाई देता है। पंचकरी झरना, यह एक प्राकृतिक सुंदर और प्रसिद्ध जगह है। नाथला दर्रा, यह एक पहाड़ है जो चीन के तिब्बत क्षेत्र के साथ सिक्किम को जोड़ता है। डोड्रुपुचेन मठ, यह एक लोकप्रिय मठ है। कबीर लुंगसो, यह एक गैंगटॉक का ऐतिहासिक जगह है। ठाकुरबाड़ी मंदिर, यह गैंगटॉक का प्रमुख तीर्थ स्थल है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गुरलेव कौर है। मैं कक्षा 7वीं सह में पढ़ती हूँ और ये मैंने एक टोकरी बनाई है जिसमें सिक्किम के लोगों का जो खान पान का सामान है। जैसे ये पत्ता गोभी है जो यहाँ पे सब्जी उगाई जाती है। ये चावल है जो कि यहाँ पे अनाज उगाया जाता है, यहाँ पे अनाज के रूप में उगाया जाता है। ये मोमोज है, ये वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है। भारत में एक ओर जहाँ वर्ष भर बर्फ से ढके रहने वाले पहाड़ पर्वत हैं, वहीं दूसरी ओर वर्ष भर गर्म रहने वाले प्रदेश भी। एक ओर जहाँ घने वन हैं, तो वहीं दूसरी ओर रेगिस्तान भी। विश्व में सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र भी भारत में ही है। इसी भौगोलिक और प्राकृतिक विविधता ने ही भारत को सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश बनाया है। इतनी अधिक विविधताओं के पश्चात भी भारत एक है और इस एकता का कारण है यहाँ की समेकित संस्कृति, जो कि अनेकता में एकता की भावना का सृजन करके भारतीय जनमानस को एकता के एक सूत्र में बांधे रखती है। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतमय राज्य है। अंगूठी के आकार का यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में तिब्बत तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। सिक्किम
देश का दूसरा सबसे छोटा राज्य है, जो तीन देशों तिब्बत, नेपाल और भूटान के बीच में स्थित है। और यहाँ आपको हिमालय की प्राचीन व बेहद खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। यह राज्य अपने चकित कर देने वाले झरने, अनछुए जंगल, तिब्बती स्टाइल वाले बुद्धिस्ट कंपा, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान और फूलों के कई प्रकारों के लिए मशहूर है। 8598 मीटर की ऊंचाई वाला दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भी सिक्किम में ही है। सिक्किम का मौसम साल भर सुहावना बना रहता है और इस वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक सिक्किम जाना पसंद करते हैं। इंद्रधनुषी भारत में चार चांद लगाता सिक्किम प्रदेश। नमस्कार, इस बार हम सभी कक्षा नवी की छात्राओं ने आप सभी को घर बैठे सिक्किम की यात्रा कराने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए। COVID-19 के इस आपदा काल में जहां कोरोना बीमारों और मृतकों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, वहीं सिक्किम राज्य में आज भी इसकी आंकड़े शून्य पर अटके हैं, जो कि अत्यंत प्रशंसा की बात है। उनकी देशभक्ति को प्रणाम करते हुए उनके द्वारा अपनाए गए कोरोना से बचाव के कुछ उपाय। सिक्किम पर्यटक गाइड। धर्म, त्योहारों, लोकगीत एवं वहां के कलाकारों को प्रदर्शित करते हुए पत्रिका। भावना भरते हुए अनेकता में एकता के संदेश से युक्त नारे प्रस्तुत करती हूँ। हसीन है सिक्किम की वादियाँ, मौसम है बड़ा सुहाना, राज्य सिक्किम का क्या कहना, ये है हमारे देश का गहना। हमारी एकता हमारी पहचान है, तभी तो हमारा देश महान है। भिन्न भिन्न जाति, धन, वेशभूषा और खान पान है, फिर भी सिक्किम, मणिपुर, असम हमारे देश की शान है। मिट्टी सीमाएं देश की, बना सिक्किम अपना परिवार, और देखो अनेकता में एकता का चमत्कार। हाथ मिलाकर एक साथ चलेंगे हम, विश्व में एकता की मिसाल बनेंगे। नहीं आने देंगे देश पर कोई भी आज, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी राज्य हैं साथ साथ। Thank you.
चाहे भारत के रहने वाले किसी भी जाति, धर्म, प्रदेश, वेशभूषा, भाषा, रंग रूप पर हम सब मिलकर एक हैं और सिक्किम हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। आशा करती हूँ आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी। धन्यवाद। एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्कीम 1 अक्टूबर 2016 में शुरू थी हुई। इन की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस से असांजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कई हुई। इन स्कीम जो मकसद अलग अलग सभ्यता, विचार, संस्कृति, खाधो पीतो, कपड़ो लटो, रहन सहन ए भाषाओं के जोड़ण आए। मां तव्हां खे सिंधी भाषा जे बारे में ॿुधाईंदसि। मां वान्या आनंद बजाज तवांजे सामू एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रथा हेत पेश करे रही आया 16 संस्कार। भारत एक दादो ही सुठो ए बेमिसाल देश आहे। हुनन जी भिन्नता जे बारे में जानन लाए एक भारत श्रेष्ठ भारत असाइनमेंट शुरू कयो वयो आहे। दादो सुठो नालो आहे न एक भारत श्रेष्ठ भारत। टू सेलिब्रेट इंडियाज डाइवर्सिटी एंड कल्चर, the Education Department of India has launched Ek Bharat Shreshth Bharat assignment, through which we will gain more information about our beautifully and diversely cultured India. Hindu dharm Bharat jo sarvapramukh dharm ahe. Hin ma pavitra 16 sanskar thinda ahen. Here ahen asanja 16 sanskar. Sindhi bhi sanskaran ke mainda ahen. Sindhi mein kanvit sanskar ke kan topan chaibo ahe. Yagyopavit ke jadaya, vivah ke vihav, चूड़ाकरण के मुन्नण ए सीमंतो नयन के तेल लगन। अन्नप्राशन संस्कार, इस संस्कार में बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। चूड़ाकरण संस्कार, इस संस्कार में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं, इसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं। वेदारंभ संस्कार, इस संस्कार में बालक अपने अंदर ज्ञान समाविष्ट करना शुरू करता है। समावर्तन संस्कार, इस संस्कार में बालक अपने गुरुकुल से लौटकर अपना जीवन मनोवैज्ञानिक रूप से जीता है। विवाह, विवाह संस्कार में वर और वधु दोनों साथ रहकर धन के पालन का संकल्प लेते हैं। असांजे भारत जो एक दादो ही सुठो राज्य आहे सिक्किम, इते भी कुछ संस्कार मनींदा आहे, जियां तो थप्सम अर्थात नामकरण, कानवाबा अर्थात अन्नप्राशन, चेवार अर्थात चूड़ाकरण ए ब्रेलसम अर्थात विवाह। धन्यवाद।
कैलाश तक कहंदी अचे, कश्मीर मां लहंदी अचे, पंजाब मां वहंदी अचे, तूफान सा लड़ंदी अचे, कलकल कंदी, छलछल कंदी, सिंधु अचे, सिंधु अचे। मां हर्षिता मंगलानी आया, तवां जे सामू पेश कयां थी ऋग्वेद में सिंधु नदी जी महिमा।